खूबसूरत पहाड़ व वादियों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर इस तरह का कचरा भी फैलाया जाता है। तो ये मैं एक बार दिखाना चाहूंगी आप सभी को कि ये सोलांग वैली की दूसरी ओर है जो कि कोई नहीं दिखाता है। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोलांग वैली का कचरा घर है और इसके बाहर की सूचना एक बार मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है खुले में कूड़ा कचरा फेंकना सख्त मना है, उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। और ये खबर लिखी गई है ग्राम पंचायत बलचान की तरफ से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ की जो पंचायत है वो इस वक्त कहाँ है। जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह कूड़ा है और ये तो अभी कुछ नहीं है, मैं आपको पूरी ये जगह दिखाऊंगी। अभी बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पर कचरे की गाड़ी तक नहीं आती है और इतनी खूबसूरत जगह को अगर मानते हैं कि टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट कचरा फैला के जाते हैं, तो यहाँ की जो पंचायत है और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस चीज के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो एक बार आप खुद ही देख सकते हैं इस पूरे कचरा घर को, आप एक बार सभी से देखिए किस तरह से है, कितना गंद यहाँ पर फैलाया गया है, किस तरह से जो बियर की बॉटल्स है, प्लास्टिक है, यहाँ पर कितना कूड़ा इकट्ठा किया गया है। और यहाँ पर जो है बहुत समय से कचरे की गाड़ी तक नहीं आती है, ना यहाँ की पंचायत इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है और ना ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसके ऊपर कुछ बोलते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर अभी जो लोकल दुकानें और ढाबे, हम उन लोगों से जानेंगे कि जो पूरा दिन जो कचरा कूड़ा इकट्ठा होता है वो लोग उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो आइए चलते हैं। सर आप हमें बताओगे कि यहाँ पर जो है कचरे की गाड़ी आती है या नहीं आती है, कितने टाइम से नहीं आ रही है? हफ्ता 10 दिन पहले आई थी। अच्छा। उसके बाद वो भी तब आई थी जब एक ग्रुप है यहाँ पे बना हुआ सोलांग का, तो सोलांग ग्रुप में मैंने डाला था कि अगर कचरे की गाड़ी आती है कल के दिन में तो ठीक है, अगर नहीं आती तो हम कंप्लेंट करेंगे एसटीएम ऑफिस या तो इसकी न्यूज लगवाएंगे। अच्छा। तो उससे अगले दिन आई थी गाड़ी और उन्होंने बोला था कि आप डेली की डेली गाड़ी आएगी। उस बात को हो गए हफ्ता से 10 दिन, तो अभी तक वो गाड़ी वापस दोबारा नहीं आई। और ये बताओ कि जो आपकी दुकान में पूरा दिन कचरा इकट्ठा होता है उसको आप कहाँ फेंक रहे हो? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कचरा। अच्छा। चला है यहाँ पे, चला ये देखते हैं कि ये अपनी दुकान का कचरा कैसे मैनेज करते हैं। हम तो थके, पूरा इकट्ठा कर करके रात को जला जला के इतना बुरा हाल है, ये पूरा भरा हुआ है, ये सारा नीचे देखो कचरा ही कचरा है। हम बोरियों में भर भर के रख रहे हैं, बोरियों में कहाँ से लानी है, कहाँ फेंकना है। तो यहाँ पर जो है कचरे की गाड़ी पहुँचती नहीं है कि जो यहाँ से डेली कचरा लेके जाए? सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले एक गाड़ी आई थी। अच्छा। वो एक दिन में लेके गई, वो भी पूरा लेके गई थी। उससे फिर वो लड़के आए थे साथ में जो कचरा उठवाते हैं यहाँ से, उन्होंने बोला कि आज के बाद डेली गाड़ी आएगी भाई, तो उसके बाद गाड़ी आई नहीं। अच्छा। और देख लो क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ? ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, जो प्रशासन है प्रशासन को चाहिए कि ये गाड़ी भेजे, नहीं तो टूरिस्ट को इसको देख के अंदर खाने करने भी जाएंगे नहीं कि इतना इतना कचरा इकट्ठा हो गया, कहाँ फेंकना है हमने भी। आप में से कोई कचरा फैलाता हुआ है? नहीं, हम लोग नहीं। पक्का नहीं, डस्टबिन में डाला है कचरा, डस्टबिन में डाला है या फिर हमारे गाड़ी में हमने डस्टबिन मिले यहाँ पे आपको? हम कई जगह मिले, मनाली में मिले, मनाली सोलांग गली में अभी हमने नहीं देखे। वो होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ की पंचायत ने ऐसा किया ही नहीं है कि यहाँ पर डस्टबिन देखे। तो अभी हमने क्या किया, पहाड़ अच्छे प्राकृतिक, अभी हमने इस कचरे के लिए हमने क्या कर रखा, हमारे पास एक कॉलेज थी ना उसमें डाल रखे हैं और हम जाकर के मनाली में जो डस्टबिन है नगर पालिका के द्वारा जो मनाली में जाके डाल ठीक है। तो अभी यहाँ कितना टाइम हो गया कि कचरे की गाड़ी नहीं आई है? कम से कम 8 से 9 दिन हो गया, अब तक आ ही नहीं रहा कचरे की गाड़ी। क्या बात हुआ, पूरी तरह से मतलब ये सोलांग वैली में बाजार में पूरी तरह से कचरा फैला हुआ है। तो दिक्कत हो रही है कि आप अपना कचरा जो पूरा दिन इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ पर फेंक रहे हैं? वो ऐसे बोरी पे पड़ा है, वो बदबू आ रहा है, वो गाड़ी आने की इंतजार कर रहे मगर आ ही नहीं रहा है। बहुत समस्या है, बहुत समस्या हो रही है। आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी बनती है जो यहाँ पर जो कचरा है उसको मैनेज करना चाहिए? देखो प्रशासन की पंचायत लेना चाहिए, कचरा साफ हो तो जगह पंचायत पूरा सफाई रहेगी, जब तक मतलब कचरा नहीं उठाएंगे तो सफाई कैसे रहेगी पंचायत की, आप वो खुद सोचिए। बात यह है कि कचरा उठाना जरूरी है, पंचायत को भी सभी सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए,
तो कचरा सब जब तक साफ नहीं होगी तो टूरिस्ट भी बोलेगी तो साफ सफाई नहीं है। हाँ जी। तो सब सब लोग जो है सफाई की ध्यान देना चाहिए। इस तो आपका कचरा भी यहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है, पीछे पड़ा है, दिखाने के लायक नहीं है। तो कचरा सड़ चुका है, गर्मी ऐसे हालात है। हाँ जी। दिन दिन प्रतिदिन मतलब गर्मियाँ बढ़ रहा है, इसी वजह से बहुत कचरा ही भी बदबू मार रहा है। तो सोचिए थोड़ा जल्दी करके गाड़ी भेज जाए। ठीक है। कचरे की गाड़ी आई हुई यहाँ पर कितना टाइम हो गया? एक महीने हो गया यहाँ। अच्छा, एक महीने से ऊपर हो गया है। और जो आपका पूरा दिन का कचरा इकट्ठा होता है उसको आप कहाँ पर फेंकते हो? यहाँ नीचे बना हुआ है ना कचरा फेंकने का, वहीं फेंकते हैं। पर आपके लोग बोलते हैं कि यहाँ कचरा मत फेंका करो, कहाँ फेंकेंगे गाड़ी में। और जो आपका दुकान का सारा कचरा पूरा दिन का इकट्ठा होता है फिर उसको कहाँ पे फेंक रहे हो? हम तो जला रहे हैं साइड में। साइड में जला दे रहे हो। अच्छा, और दिक्कत आ रही है कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है इस वजह से? दिक्कत तो आनी है ना। अच्छा, और आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका कचरे की पूरी मैनेज होना चाहिए? नीचे मनाली वाले उनकी बोलेगी ना, ग्राम पंचायत की। आप ये बताओ यहाँ पे कचरे की गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है? कितने टाइम हो गया? फिर आपका जो अपनी दुकान का कचरा वो कहाँ फेंक रहे हो? यहाँ तो कमी होता अपना कचरा, मगर नीचे बना हुआ। भाई किसको देते हैं आप ये जिम्मेदारी की, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कचरा मैनेज होना चाहिए? वो प्रशासन की है, और किसकी होगी जो प्रशासन की है। तो मैनेज करना चाहिए।